दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फ्रेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होते क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इन समय दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, फ्रेम जस्ट लाइक ये टाइप टू स्टोर डेटा, हाउ योर डेटा इज गोइंग टू स्टोर, हाउ योर डेटा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि इन विच मैनर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर डेटा थ्रू दिस सिस्टम। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेम्स आर नोन एज फिल्टर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। द आइडिया ऑफ फ्रेम इज ड्राइव ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क्स दैट हैव इवॉल्व इन टू मॉडर्न एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज देर इज ए क्लास देर मी वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर डेट। सपोज आई एम ए ऑब्जेक्ट, आई एम ए क्लास, सो आई हैव वेरियस ऑब्जेक्ट, आई लाइक, आई हैव शूज, आई हैव स्वेटर, आई हैव शर्ट। तो दीज आर सम टाइप एंड दे रिलेट टू वन एंटिटी दैट इज कॉल्ड मी माई सेल्फ। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कार का, तो कार के बाद स्टेयरिंग होगा, व्हील होगा, ड्राइविंग सीट होगा। तो कार इज एंटिटी एंड अदर थिंग जस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी, मीन्स यू कैन से क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, बिकॉज कार इज क्लास एंड अदर थिंग आर ऑब्जेक्ट आर पर्टिकुलर डेट क्लास। सो इन केस ऑफ फ्रेम डाटा इज स्टोर्ड इन सच मैनर, डाटा इज रिप्रेजेंट इन सच मैनर, सो दे गोइंग टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी एंड देयर टाइप और देयर प्रॉपर्टीज। सो फ्रेम आर आल्सो ग्रुप ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स दैट आर कनेक्टेड एंड स्टोर टुगेदर। द मेन पर्पज ऑफ द फ्रेम टेक्नोलॉजी इज टू पुट अक्रॉस ए पीस ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। सो हियर इन दिस यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम। ओके, दिस इज एंटिटी एंड दिस इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एंटिटी। मीन्स इज एडल्ट मेल बैटिंग अवेयर दिस बैट्स दिस and here also you can see. So basically fielder is entity, these are detailed information. Okay, now here we can take another example of frame, so you can easily understand the how data is going to be represented. So here example is Rita is a software engineer. She lives in New York, America. Her age is 27 and she is married. So now if we represent this entity in form of frame representation, so the frame look like this: name Rita, profession software engineer, age 27, location New York, marital status married. Now what is biggest advantage of frames? अगर आप कोई एक नया information add करना चाहते हैं, just add a slot here and put the information here. So this is very easy to operate in frame for adding new information, because here you can see husband name, here you can write X, Y, Z. So this is very easy to add. Now what are advantages of frame? So with the help of frame knowledge representation, the programming becoming easier at groups related data, yes, because entity and their properties is related together. Due to flexible representation, the frame is used by many application in AI. Slot for new attributes and relation can be easily added. जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था कि अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, देन ओनली यू हैव टू ऐड स्लॉट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। टू सर्च फॉर ए मिसिंग वैल्यू यू कैन ऐड डिफॉल्ट डेटा। इट इज वाइजली पॉपुलर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग knowledge representation. So biggest advantage is that due to the flexible representation, the frame is used by many application and slot for new attributes and relation can be easily added. Now talking about disadvantages of frame, so because the system has too many slot, deduction cannot be easily formed. The frame representation is not built to support the inference mechanism. It has very generalized approach that limits its functioning. So these are some disadvantages of frame, and these are advantages, and these are example of frames. Or now this is definition of frame. So I think this is sufficient about frame. So thank you for watching this. Thank you.